सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो सेशन। तो दोस्तों, आज का वीडियो सेशन कुछ हटकर होने वाला है। आज हमारे साथ में NWDA यानी नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की LDC पोस्ट पे सिलेक्टेड कैंडिडेट है, जिनका नाम है मिस्टर आदित्य जी तिवारी। ये 2019 की वैकेंसी में सिलेक्ट हुए हैं और इन्हीं से जानेंगे आपके सभी डाउट्स, जो भी आप कमेंट करते हैं इस रिक्रूटमेंट को लेकर, LDC के सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर, पेपर कैसे होता है, किस तरह से तैयारी करनी है, स्किल टेस्ट कैसे होता है, आगे जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, पेपर बाइलिंगुअल होता है या नहीं होता है, आपको टाइपिंग इंग्लिश में करनी है या हिंदी में करनी है, आपके साथ में क्या ऑप्शन रहेंगे, ये सभी चीजें आज हम मिस्टर आदित्य जी तिवारी से जानने वाले हैं। तो स्वागत है आपका आदित्य सर, और टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और आप एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपने बारे में बच्चों को। नमस्कार, मेरा नाम आदित्य तिवारी है। मैं नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी में लोअर डिवीजन क्लर्क के पद पर कार्यरत हूँ। मैं बेसिकली मध्य प्रदेश के सागर जिले से बिलोंग करता हूँ, और मैंने वर्ष 2019 में ये एग्ज़ाम दिया हुआ था, और वर्ष 2019 से ही मैं वलसाड में पोस्टेड हूँ। ओके, तो आपने इनसे जाना कि 2019 की वैकेंसी में ये सिलेक्ट हुए थे, यानी 2019 में जो वैकेंसी आई थी NWDA की, इस वैकेंसी में इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ और वर्तमान में ये कार्यरत है, इनको ज्वाइनिंग मिल चुकी है। और अब हम इनसे आपके जितने भी डाउट्स हैं, जो भी आप कमेंट्स करते हैं इस रिक्रूटमेंट को लेकर, वो सभी डाउट्स इन्हीं से क्लियर करेंगे। देखिए, मैं बताता हूं और एक सिलेक्टेड कैंडिडेट बताता है, तो उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस रहता है। ये जो भी बताएंगे आपको वो 100% ट्रू होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो आपका सवाल रहता है सबसे बेसिक, वो है कि आप अगर बच्चों को अपने बारे में बताएंगे तो वो ज्यादा इंस्पायर होंगे, क्यों आदित्य जी? तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप अपना जो अपनी जो एजुकेशनल जर्नी है, चाहे वो स्कूलिंग है चाहे वो कॉलेज है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन और हायर सेकेंडरी एजुकेशन सारी मैंने सागर जिले से ही की है, और इंग्लिश मीडियम में मेरी एजुकेशन रही है। उसके बाद मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सागर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से BSc किया हुआ था, और फिर उसके बाद मैंने BSc कंप्लीट करने के बाद मैंने SSC की प्रिपरेशन तैयार की। तो उसी बीच मेरे बीच अच्छा मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने SSC की प्रिपरेशन कब स्टार्ट कर दी थी, कौन से ईयर? मैंने SSC की प्रिपरेशन 2017 में स्टार्ट की हुई थी। 2017 वर्ष में मैंने 2017 में आपने एक तरह से कंपटीशन की दुनिया में कदम रखा है। कंपटीशन की दुनिया से तो मैं वैसे पहले से ही मैं एग्जाम्स वगैरह देते रहता था, पर मैंने एक डेडिकेटेड कभी स्टडी नहीं किया, कभी डेडिकेटेड पढ़ाई नहीं की। तो मैं एग्जाम्स तो देते रहता था, लेकिन हाँ, अगर डेडिकेटेड बोलेंगे तो वर्ष 2017 से मैंने तैयारी शुरू की। ओके, तो आप बेसिकली SSC के लिए जा रहे थे? मैं SSC के एग्जाम्स ही देता हूँ, और मैं उसके बीच में मुझे ये एग्जाम पढ़ा जो लगभग SSC के जैसा ही था, तो मैंने इसको देने का सोचा। हाँ, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस वगैरह मैच करते हैं, काफी सारी चीजें मैच कर रही है, और SSC की जो तैयारी करता है वो आपके हिसाब से आराम से जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, इस एग्जाम के लिए आप बिल्कुल जा सकते हैं, आपको कुछ अलग नहीं करने की जरूरत है। हाँ, तो देखिए कि मतलब SSC की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो NWDA की LDC की पोस्ट के लिए जा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। SSC में क्या रहता है कि सर बहुत सारी चीजें डिले रहती है, और आई थिंक ये जो आपका NWDA वाला है, इसका प्रोसीजर आपके हिसाब से, क्योंकि 2019 में आपका एग्जाम हुआ था और अभी आप आपकी पोस्टिंग हो रखी है, ज्वाइनिंग हो रखी है, तो थोड़ा फास्ट लगा मेरे। बिल्कुल, ये बिल्कुल, ये मैंने देखा हुआ है कि हाँ, इनके इस डिपार्टमेंट की जो ज्वाइनिंग हुई वो सबसे जल्दी हुई है मेरे हिसाब से। लगभग 10 महीने का समय लगा, जिसमें पूरा रिटेन एग्जाम हुआ, उसका रिजल्ट आया, स्किल टेस्ट का रिजल्ट आया, और ज्वाइनिंग भी दी गई। तो ये एक थोड़ी अच्छी चीज लगी मुझे इस विभाग द्वारा, कि जो फास्ट प्रोसीजर है इनका। हाँ, फास्ट प्रोसीजर है, 10 महीने में अप्लाई से स्टार्ट करें तो 10 महीने तक आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, ज्वाइनिंग मिली है आपको, बहुत बड़ी चीज होती है, इतना फास्ट बहुत कम प्रोसेस होता है रिक्रूटमेंट एजेंसी का, तो ये अच्छी बात है NWDA की। अगला देखिए, मैं आपसे पूछना चाहूंगा सवाल कि आपके मन में जो, मैं जैसे कि आप SSC की प्रिपरेशन कर रहे थे और SSC आपका टारगेट था, लेकिन वो कहते हैं ना कि हम अगर चाहे तो प्लान बी यूज कर सकते जी, हैं। बिल्कुल, तो आपने एक तरह से प्लान बी यूज किया है, आप कह सकते हैं कि प्लान SSC, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले विगत 4 वर्षों में जो हुआ SSC में, सही एक प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से लाखों बच्चे परेशान। मैंने भी एग्जाम्स SSC के दे रखे हैं, मेरा CHSL 2018 का एग्जाम पेंडिंग है अभी भी,
तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो परेशान हैं, तो उस बीच मेरा ये एक आप कह सकते हैं कि अच्छा फायदा रह गया, मैंने NWDA का फॉर्म डाला तो। हाँ, मतलब आपने उस इस वैकेंसी का पूरा बेनिफिट लिया है और आपने डिसीजन भी सही लिया, आपने इग्नोर नहीं किया इसको कि नहीं मुझे तो SSC पर ही अड़ा रहना जी है, मैं इसमें क्यों जाऊं। आपने एक अच्छा डिसीजन लिया और आई थिंक आपको उसका फायदा भी मिला है। जी और ऐसा मेरे हिसाब से बच्चों को सोचना चाहिए, क्योंकि देखिए जॉब इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेरोजगार है और आप कितनी भी बड़ी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके पास में एक छोटा सा कोई भी जॉब है तो वो इंपॉर्टेंट है। तो आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने जो NWDA में LDC बनने की जो तैयारी है वो आपने शुरू कब की थी वैसे? वो लगभग वर्ष 2018 के दिसंबर में एग्जाम फॉर्म्स आए थे, तो तभी से उन्होंने अच्छा, जी बोलिए वैकेंसी जब निकली थी आपने उसी समय से इस पे फोकस बिल्कुल। किया, उसके पहले तो मुझे शायद पता भी नहीं था इस तो बारे में, वो तो एग्जाम इस बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं नहीं थी। थी। जैसे हाँ ही एग्जाम आया तो देखा हाँ एग्जाम है, तो सेम तैयारी लगभग सेम ही थी, बस हमें कंप्यूटर पे थोड़ा सा ध्यान देना था, तो बस ऐसी तैयारी शुरू कर दी फिर। ओके, मतलब जो भी नए बच्चे देख रहे हैं जो पहले से थोड़ी बहुत तैयारी कर चुके हैं या SSC की तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सुन लीजिए ध्यान से कि आदित्य सर क्या कह रहे हैं। मतलब इन्होंने रिक्रूटमेंट जब निकली थी उस टाइम फोकस किया था कि भाई मैं अप्लाई करता हूं और इसकी प्रिपरेशन करता हूं, क्योंकि SSC की तो पहले से ही चल रही बिल्कुल है और साथ में ये भी कर जी लेता हूं। तो इन्होंने जब अप्लाई किया तब से इन्होंने इस एग्जाम के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया था। ऐसा नहीं है कि इन्होंने 5 साल 3 साल पहले शुरू किया, ऐसा नहीं है, ये खुद आपको बता रहे बिल्कुल हैं। तो ये सवाल करने के पीछे रीजन यही था कि काफी बच्चे जो ये सोचते हैं कि भाई इनकी पता नहीं कितने सालों की तैयारी जी। होगी जो सिलेक्ट होते इसी बीच हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि सारे बच्चों से कि जब हम तैयारी करते हैं तो हमें यही लगता है कि और भी कितने बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से, 4 साल से, 6 साल से, वो मत सोचिए, क्योंकि आज के ज़माने में हमें वो नहीं सोचना चाहिए। हम बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे अगर, तो हो सकता है कि हम बहुत जल्दी सक्सेस पा सकते हैं। तो दूसरों को ना हाँ, देखें, मतलब खुद भीड़, पर फोकस करें। हाँ दूसरी भीड़ को बहुत सारे बच्चे सर कमेंट करते हैं कि कितने फॉर्म अप्लाई किए गए हैं और क्या कंपटीशन है, ये सब चीजें रहती है। तो मैं यही बोलता हूं कि भी आपको एक पोस्ट चाहिए, आप उसी पे फोकस बिल्कुल कीजिए, आपको भीड़ से कोई लेना बिल्कुल देना नहीं बिल्कुल है। आप अगर अपनी एक एक पोस्ट पे एक सीट पे अगर फोकस करेंगे तो वो कहीं नहीं जाने जी, वाली है। तो रिक्रूटमेंट छोटी है या बड़ी है उस पे आपका ध्यान नहीं जाए तो ही बिल्कुल अच्छा है आपके बिल्कुल हिसाब से। हाँ, तो आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अप्लाई करने से लेकर आपने मेरे को बता दिया कि रिटन एग्जाम जिसको हम CBT एग्जाम बोल सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो इसमें टोटल जैसे आपने अप्लाई करने के बाद में CBT एग्जाम कितने समय बाद हो गया था मैंने दिसंबर के लगभग? मंथ में शायद अप्लाई किया था और उन्होंने एग्जाम डेट 23 मार्च दे रखी थी, तो लगभग 3 से 3.5 महीने मार्च में को दे एग्जाम रखे, हुआ था 3 महीने बाद एग्जाम हो जी। गया था। तो मतलब डिले नहीं होता इस काम में किसी भी तरह का, कोविड की वजह से इस बार हो सकता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं होगा। जैसे ही सिचुएशंस नॉर्मल होगी तो एग्जाम करवा लेगा बिल्कुल NWDA बिल्कुल ना। NWDA एग्जाम प्रोसीजर के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ये अच्छी जी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, ये सबके लिए मतलब खुशी की जी बात है। अच्छा सर, ये बताइए आपकी CBT एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आता है हाँ, क्या? CBT एग्ज़ाम जो होता है वो दोनों ही भाषाओं में होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, और शायद ये एग्ज़ाम TCS ने ही कंडक्ट कराया था जो कि SSC के एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट कराती है, तो पैटर्न सेम है। हम बोलेंगे उसका जो यूज़र इंटरफेस जो रहता है, मतलब जो टेस्ट टेस्ट जो आपका पूरा रहेगा वो सेम बिल्कुल SSC का पैटर्न ही होता है, तो क्यों हाँ, मतलब CBT वाला जो पैटर्न बिल्कुल रहता है। बिल्कुल तो ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर मिल बिल्कुल जाएगा बिल्कुल आपको बच्चों को। बिल्कुल जो हिंदी मीडियम से उनको ये चिंता रहती है ज्यादा, तो बाइलिंगुअल पेपर होगा, चलिए इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे सर, CBT एग्जाम का आपका सेंटर कहाँ था वैसे? CBT एग्जाम का सेंटर मैंने तो भोपाल डाला हुआ था, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ तो भोपाल मेरे लिए पास था। वैसे ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स के कैपिटल में इसका सेंटर होता है। हाँ अच्छा, कैपिटल में सेंटर आ जाता है क्या? कितनी नहीं, पॉसिबिलिटी रहती पॉसिबिलिटी है? आराम से आपको सेंटर मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ज़्यादा लोगों को इस डिपार्टमेंट के बारे में पता नहीं है, तो एप्लीकेशंस भी ज़्यादा नहीं होते हैं उस कंपैरिजन में, तो आपको आराम से मिल जाएगा आपका नियरेस्ट।
चलो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि नियरेस्ट सेंटर को लेकर अभी कोविड की सिचुएशन है, तो सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर सेंटर कहाँ मिलेगा। तो सेंटर तो कैपिटल में मिल ही बिल्कुल जाएगा, स्टेट कैपिटल में सेंटर आसानी से मिल बिल्कुल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए सर आगे हमें ये बताइए कि इस एग्जाम का लेवल क्या रहता है आपके अकॉर्डिंग। आपने एग्जाम दिया है तो आपको इस बारे में काफी डीपली पता होगा, और एग्जाम क्रैक भी किया है, ये सबसे बड़ी चीज होती है। एग्जाम देना तो एक बेसिक काम होता है, लेकिन एग्जाम क्रैक करने वाले को पता होता है कि चीजें एक्चुअल में कैसे चलती है एग्जाम में। तो एग्जाम का लेवल बताइए कि लेवल कैसा होता, थोड़ा डीपली आप बताइए ताकि बच्चों को इसके बारे में अच्छे से जानकारी मिल सके। देखिए, एग्ज़ाम तो ये SSC CHSL के लगभग ही हम इसको मान सकते हैं। बस बसर ये है इसमें कि इसमें कंप्यूटर का एक सेक्शन एक्स्ट्रा हो जाता है। बाकी ये इजी टू मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम है, इसमें ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं आता है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो वो एक बहुत अच्छा फैक्टर हो जाता है कि आप अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं आराम से। हाँ, दिल खोल के आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रोक टोक नहीं होगी। वो नेगेटिव मार्किंग वाला एक दिमाग में रहता ही है उस टाइम जब जी एग्जाम देते हैं, तो कहीं मेरा अगर थोड़ा सा गलत हो गया तो नेगेटिव चला जाएगा। एक ये भी है ना कि थोड़ा सा जो एक प्रेशर रहता है वो भी कम हो जाएगा जी बिल्कुल, आप नेगेटिव बिल्कुल मार्किंग वजह। आराम से। हाँ टाइम भी अच्छा खासा 2 घंटे का टाइम मिलता है इस एग्जाम में, तो आपको टाइम की भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो अगर आप तैयारी करेंगे अच्छे से 2-3 महीने 4 महीने, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। हाँ और ये अगर कंप्यूटर पे कोई फोकस करता है तो उसमें भी एक प्लस पॉइंट ये है, क्योंकि 20 मार्क्स दे रखे हैं कंप्यूटर जी, कंप्यूटर के, तो ये भी। इसमें 20 नंबर का आता है, तो कंप्यूटर भी एक हो जाता है सब्जेक्ट जिसको हम आराम से स्कोर कर सकते हैं अगर थोड़ा भी हम पढ़ें तो। हाँ, तो ये भी काफी अच्छी बात है सबके लिए। और मैं सर कोशिश कर रहा हूं कि कंप्यूटर की मैं इनको तैयारी करवा दूं अपनी तरफ से, जी, बहुत ये अच्छा मेरी होगा कोशिश आप। रहेगी। आगे सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने आपका जो CBT एग्जाम का स्कोर था वो कितना जहाँ तक मुझे याद है, मेरा CBT में स्कोर 84 out of 100 था, और जो था? देखा 84 out of 100। जाए जी, और जो लीस्ट स्कोर मुझे याद है वो था 78 पर सिलेक्शन हुआ था, जो लास्ट जिसको हम कट ऑफ बोल सकते हैं 78। जी। तो हुआ होता ही है कि पोस्ट होने की वजह से फिर भी 78 एक एवरेज स्कोर ही है, ऐसा कोई स्कोर नहीं है मतलब। हाँ अब 78 वैसे, हाँ थोड़ी अच्छे से तैयारी करते हैं तो हो जहाँ जाता है नेगेटिव वैसे मार्किंग सेवेंटी नहीं है तक। उस जगह पर 78 एक थोड़ा कम स्कोर हो जाता है। हाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस वजह से 78 सही स्कोर है वैसे, बिल्कुल इसको ज्यादा भी नहीं बोल सकते कम भी नहीं बोल बिल्कुल सकते, बिल्कुल एवरेज हम कह सकते हैं इसको। अच्छा CBT के अंदर आपको कट ऑफ याद है कि कट ऑफ क्या रही थी वैसे? CBT में हमारे साथ ये हुआ था कि कट ऑफ जारी नहीं की गई थी, जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे उनकी लिस्ट जारी की गई थी, तो अच्छा लगभग जिन टेन जिनको टाइम्स पोस्ट के 10 टाइम्स या 15 टाइम्स बच्चों की लिस्ट जारी की गई थी स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट के लिए, तो कट ऑफ जारी नहीं हुई थी रिटर्न एग्जाम की, आपको सीधा बुलाया गया था कि भी एक पोस्ट के लिए 10 बंदे आ जाओ, है ना, कि भी बिल्कुल 10 बंदों को सिलेक्ट किया गया स्किल बिल्कुल टेस्ट के लिए, बिल्कुल तो आप पे फिर। हाँ तो आप आगे सेकंड स्टेज पर स्किल टेस्ट में। इससे पहले बिल्कुल मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा कि GK और करंट अफेयर्स के जो 20 क्वेश्चन आते हैं जी, इनमें GK और करंट अफेयर्स के कितने कितने रेशियो रहता है, लगभग करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन आते हैं? इस एग्जाम में जो था वो करंट अफेयर्स का ज़्यादा वेटेज था, और लगभग 62-65% क्वेश्चंस, 12-20 में से 12 से 13 क्वेश्चंस जो थे वो हमारे करंट अफेयर्स के देखने मिले थे। और वो मैं भी उससे थोड़ा टेकन अबैक था, सरप्राइज था कि इतने सारे क्वेश्चंस तो पहले नहीं देखे हैं, बट हाँ इसमें देखा गया कि करंट अफेयर्स के ज़्यादा क्वेश्चन थे, स्टैटिक के थोड़े हाँ कम थे। और करंट अफेयर्स में ही ये चीजें, मतलब अवार्ड्स है, स्पोर्ट्स वगैरह है, जो डेजिग्नेशंस वगैरह है, इनके बारे में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं मेरे बिल्कुल, हिसाब अवार्ड से। से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे उस टाइम, शायद मुझे याद है पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड्स दिए गए थे, तो उनसे 2-3 क्वेश्चंस डायरेक्ट आ गए थे सीधे सीधे। फिर प्लानिंग्स वगैरह जो है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, करेंट अफेयर्स लास्ट 4 से 5 महीने के करेंट अफेयर्स से काफी क्वेश्चंस देखे गए थे। अच्छा लास्ट 6 मंथ का तैयार करना है, तो ध्यान से सुन लीजिए आप लोग जो भी देख रहे हैं वीडियो को, कि आपको लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार करना है।
जी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएंगे आप लोगों से। जैसा कि टीसीएस का पैटर्न भी देखा गया है कि टीसीएस जो लास्ट सिक्स मंथ के क्वेश्चंस ज्यादा पूछता है अपने एग्जाम्स में, तो वही पैटर्न वहां भी देखने मिला और उसका मुझे फायदा भी हुआ। मैंने पहले से ये देख रखा था कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछती है टीसीएस, तो उस हिसाब से मैंने भी उसको पढ़ा हुआ था। हाँ तो ये भी ठीक बात है। तो सिक्स मंथ का करंट अफेयर्स आपको तैयार कर लेना है अच्छे से जब भी आपकी एग्जाम डेट अनाउंस होती है उसके बाद में। बिल्कुल, अभी तो खैर कुछ कह नहीं सकते क्योंकि एग्जाम डेट नहीं दी है जी। तो सर इसके बाद आप सीबीटी आपका क्लियर हो गया, इसके बाद आप आगे आगे आपके जो स्किल टेस्ट के अंदर, तो स्किल टेस्ट में एलडीसी की पोस्ट के लिए तो ओनली टाइपिंग टेस्ट होता है जी, और टाइपिंग टेस्ट में हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज है, तो आपने कौन सा लिया था, हिंदी या फिर इंग्लिश या फिर दोनों का टेस्ट होता है? इसमें स्किल टेस्ट सिर्फ एक ही लैंग्वेज का होता है और हमको पहले सेलेक्ट करना होता है कि आप इंग्लिश चूज करना चाहते हैं या हिंदी चूज करना चाहते हैं, तो मैंने इंग्लिश चूज किया हुआ था और मैंने इंग्लिश की ही टाइपिंग की थी। अच्छा, तो जब हम अप्लाई करते हैं तो उस समय हमारे पास में ऑप्शन है कि आप इंग्लिश लेना चाहते हैं या फिर हिंदी लेना चाहते हैं? जी बिल्कुल। हाँ, और फिर उसी के अकॉर्डिंग स्किल टेस्ट होता है। तो आपने टाइपिंग को कितना समय दिया था, आपने पहले ही टाइपिंग अच्छे से तैयार कर रखी थी या सीबीटी क्रैक करने के बाद में आपने टाइपिंग स्टार्ट की? मैंने टाइपिंग अपनी स्टडीज स्टार्ट करने के पहले ही कर रखी थी, लेकिन दो तीन साल का गैप होने के कारण फिर स्किल टेस्ट के लिए मुझे लगभग 1.5 से 2 महीने मिले थे, उस बीच मैंने अपनी स्किल टेस्ट की सारी तैयारी की थी देखी जाए तो। अच्छा, मतलब एग्जाम क्रैक करने के बाद आपको 1.5 से 2 महीने का टाइम मिला और उसमें आपने डेडिकेशन प्रैक्टिस की टाइपिंग की? जी बिल्कुल। और 2 महीने में आपका हो भी गया, कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, एक सवाल ये है कि ये जो आपका स्किल टेस्ट होता है इसके मार्क्स होते हैं या फिर ये क्वालिफाइंग नेचर होता है? स्किल टेस्ट तो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर ही होता है, इसमें कोई मार्क्स नहीं होते हैं। जैसा कि नोटिफिकेशन में भी शायद मेंशन होगा कि स्किल टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है और हमें सिर्फ उसको पास करना रहता है। पास करना होता है, मार्क्स वगैरह का कोई चक्कर नहीं होता? नहीं, मार्क्स का कोई नहीं होता। चलिए, तो ये भी अच्छी बात है, क्वालिफाई करना है और 2 महीने में, देखिए आदित्य सर आपके सामने इन्होंने तैयारी की है तो आप भी आराम से कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए डेडिकेशन होना जरूरी है। आप अच्छे से टाइपिंग इसको हल्के में नहीं ले सकते, टाइपिंग टेस्ट को नहीं, नहीं आप इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये भी एक एग्जाम का फेज है और यहाँ भी बच्चे बाहर होते हैं, तो हमें उसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना होगा। अच्छा सर, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कुछ बच्चे एकदम नए होते हैं, ना तो उनकी इंग्लिश की टाइपिंग अच्छी होती है ना उनकी हिंदी की टाइपिंग अच्छी होती है, तो आपके हिसाब से उनको हिंदी के लिए जाना चाहिए या फिर इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी चाहिए? मेरे हिसाब से जो बिल्कुल नया है उसके लिए इंग्लिश की टाइपिंग के लिए जाना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम मोबाइल के कीपैड पे और हर जगह इंग्लिश में ही टाइप ज़्यादा करते हैं और कंप्यूटर भी हमने जो बचपन से देखा हुआ है उसमें इंग्लिश टाइपिंग होती है, तो वो करना आसान है और बहुत जल्दी सीखा जा सकता है। बहुत जल्दी सीखा जा सकता है और प्रैक्टिस जल्दी हो जाती है और पकड़ भी बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और हिंदी मेरे हिसाब से उन्हीं लोगों को लेना चाहिए जो पहले से ही परफेक्ट है हिंदी में। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने अभी तक टाइपिंग नहीं की है और आप हिंदी से जाएं, तो मेरा ये सलाह रहेगा कि आप इंग्लिश से जाएं। हाँ, तो ये भी काफी अच्छी बात है आपने बताई है कि भाई नया कोई भी अगर जाना चाहता है तो इंग्लिश टाइपिंग में जाए ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो और जल्दी प्रैक्टिस हो जाए। जी बिल्कुल। और कुछ फायदे रहते हैं इंग्लिश के आपके हिसाब से, ये अच्छी बात है। जी बिल्कुल। अच्छा सर, एक कुछ बच्चों ने यह पूछा है कि NWDA LDC बनने के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना कोई जरूरी है, मैंडेटरी है? नहीं नहीं, इस एग्जाम को देने के लिए आपको कोई भी डिप्लोमा होने की जरूरत नहीं है, आप बस फॉर्म भरें और वहां आपको स्किल टेस्ट परफॉर्म करके देना होगा और आपसे कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। नहीं मांगा जाएगा, आप 12वीं पास है इतना काफी है। बिल्कुल, इतना काफी है, आगे सिलेक्शन आपका कहीं नहीं रुकने वाला है। जी बिल्कुल। अच्छा सर, एक इंपॉर्टेंट बात कि आपका जो सिलेक्शन हुआ है वो कौन सी कैटेगरी से हुआ है, क्योंकि काफी लोग बाद में कमेंट करते हैं कि कौन सी कैटेगरी थी बताया नहीं। जी, मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। और जनरल कैटेगरी में आपके 84 मार्क्स थे? यस, जनरल कैटेगरी में मेरे 84 मार्क्स थे, मैंने 7th रैंक आया था मेरा जनरल कैटेगरी में और फाइनल सिलेक्शन में मेरी 9th रैंक आई थी। बहुत अच्छी बात है, 7th रैंक आपकी उसमें सीबीटी में और फाइनल सिलेक्शन में 9th रैंक, वो भी जनरल में, बहुत बड़ी बात है ये।
और जी जान लगा के आपने तैयारी की है, इससे बड़ा इंस्पिरेशन क्या होगा हमारे लिए, सारे बच्चों के लिए जी। काफी बड़ी बात है ये। अगर आपकी तरह कोई मान लो LDC, UDC या स्टेनोग्राफर की तैयारी करना चाहे तो आपका क्या सजेशन रहेगा? देखिए, आप बिल्कुल मत सोचिए कि कितने लोग फॉर्म डालते हैं, ये कैसा डिपार्टमेंट है, पेपर कैसा आएगा। कई बार हमारे मन में रहता है कि कम पोस्ट हैं तो क्या पता हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो आप बिल्कुल ये दिमाग ख्याल से निकाल दें, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मेरा सिलेक्शन होगा। मैं भी बिल्कुल आपके जैसा ही आम आदमी हूँ, मैं भी ऐसे SSC की तैयारी करता था सुबह से शाम, और बस फॉर्म डाल दिया, एग्ज़ाम दिया, और हमें पता नहीं होता है कि हमारा दिन है आज, हमारा दिन नहीं है आज। बस आपने जो तैयारी की है वो क्वेश्चंस आ जाएंगे और आपका हो जाएगा, और आपको बस पता ही नहीं चलेगा आप कैसे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल ये मत सोचें कि ये हार्ड है, टफ है, पोस्ट कम है या फिर सुना नहीं है कभी। तो बिल्कुल आप ऐसा, बिल्कुल फेयर पॉलिसी है, आप देख ही सकते हैं। तो आप बस फॉर्म भरिए और आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए, डेफिनेटली आपका हो जाएगा। हाँ, ये बड़ी बात है सर आपने जो बोली है कि बहुत सारे लोग वैकेंसी देखते हैं कि कितनी बड़ी वैकेंसी है, जितनी ज्यादा पोस्ट होगी उतने ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे, जितनी कम पोस्ट होगी उतने कम लोग अप्लाई करते हैं। ये सोचते हैं कि भी ये छोटी वैकेंसी है, कम पोस्ट है, बस 35 वैकेंसी है, 50 वैकेंसी है, इनके लिए हम क्यों जाए, टाइम वेस्ट, उनको लगता है कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एक्चुअल में आप वाली बात एकदम परफेक्ट है कि कौन सा दिन आपका है ये आपको पता नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको नहीं पता होगा कि आप कौन सा एग्जाम में क्या पूछने वाले हैं, और शायद वो आपका ही दिन हो, बस यही होता है और कोई दूसरी बात नहीं है। ये काफी बड़ी बात है, मतलब ये चीज मैंने काफी ज्यादा नोट की है कि लोग बड़ी वैकेंसी की तरफ भागते हैं, छोटी वैकेंसी की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। एक्चुअल में वो सोचते भी नहीं है कि NWDA नाम की कोई एजेंसी है जो LDC स्टेनो की रिक्रूटमेंट भी करवाती है, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल, मैंने भी इसके पहले कभी इस बारे में सुना नहीं था, बट जैसे ही मेरे संज्ञान में आया तो मैंने फॉर्म डाला और तैयारी शुरू कर दी। और बस आप ज्यादा हम नहीं सोच सकते हैं, हमें बस अपनी तैयारी पर फोकस रखना है, बाकी सब सफलता मिल जाती है। देखिए, अगर हम राइट डायरेक्शन में एनर्जी लगाते हैं तो सफलता डेफिनेटली मिलती है। जी बिल्कुल, और इन चीजों को लेकर सभी बच्चों को अवेयर भी होना जरूरी है कि भाई हम ऐसे नहीं सोचे कि छोटी वैकेंसी है क्या नहीं है, इन सब के बारे में ना सोचे और अपनी तैयारी पे फोकस करें, कॉम्पिटिशन पर ज्यादा ध्यान नहीं दे, अपनी तैयारी पे ध्यान देंगे तो अच्छा ही होगा सब कुछ। जी बिल्कुल।